बच्चों, हम आपको इसके पिछले वाली वीडियो में कवक के बारे में बताए थे। जगत कवक जो पांच जगत वर्गीकरण है, उसमें गुनेरा है, प्रतिष्ठा है और उसके बाद हंजाई आता है। हंजाई में हम आपको उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बहुत सारी बात बताए। आज हम बात कर रहे हैं उसके क्लास बच्चों, जीसी आयुष वर्ग बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, 116 हैं, मार्टिन हैं, अनेक वैज्ञानिकों ने कवकों का वर्गीकरण किया है। लेकिन यहाँ पर जो हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल कमेटी है, भुवनेश्वर नाम से बॉडी है। इसमें जीसी आयुष वर्ग ने 1973 में अपने वर्गीकरण किया है, तो मोस्ट एक्सेप्टेड वर्गीकरण है। या टू फंजाई जिसमें पांच सब डिवीजन होते हैं,
पहला है मैस्टिको माइकोटीनर, जिसके एग्जाम्पल में ये लिगो है। दूसरा है जाइगो माइकोटीनर, जिसके एग्जाम्पल में राजो पसंद। तीसरा है इसको माइकोटीनर, जिसके एग्जाम्पल में है मार्केला और पीस। अगला है वेस्टियो माइकोटीनर, जिसके एग्जाम्पल में गार्केस और अक्सीनिय है। और लास्ट है यूट्रो माइकोटीनर, जिसके एग्जाम्पल में सेको स्पोरा है। यूट्रो माइकोटीनर पुरस्कार से भी सम्मानित किया। अब बच्चों हम कुछ
हानिकारक कवकों की ही बात कर ले। बच्चों कवक हानिकारक है, लाभ के साथ साथ हानिया है। बच्चों बहुत सारी मानव मजदूर बीमारियाँ कवकों के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, जैसे ताल है बरसात के समय में रिंग वर्ग हानिकारक की बात करें तो पहले मानव मजदूरी को कैसे है, दाल ठीक है, गंजापन है, बालों में कवक उगाते हैं और बाल धीरे टूट जाते हैं, हमारे शरीर की त्वचा में कवक उगाते हैं जिससे खुजली और जलन हाथ समस्याएं उत्पन्न होने ही है। बच्चों फेफड़े में भी वो आते हैं तो उसे एस्पर जिलस दात रोग बच्चों ट्राइकोफाइटन और माइक्रो स्पोरल कवक द्वारा, ये सब ट्राइकोफाइटन और माइक्रो और एक बीमारियों की फेफड़े में कवक उगाते हैं एस्पर जिलोसिस शेष बातें बच्चों हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।